क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, और इसके लक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग लक्षण लेके हमारे पास में आते रहते हैं। और लगता ऐसा है कि इसको कुछ तो भी बीमारी हुई है शारीरिक, मगर एक्चुअली शारीरिक बीमारी कुछ रहती नहीं है, लक्षण पूरे शारीरिक रहते हैं। अब ज्यादातर कौन से लक्षण लेके हमारे पास में पेशेंट आते हैं वो हम देखते हैं, उसके मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। वैसे ही कि सिर दर्द करना, कभी माइग्रेन जैसे अटैक आते हैं या क्रॉनिक हेडेक, सिर दर्द करना ऐसा उनको लगता है। फिर उसको लगता है थकान और ऐसा कोई काम करने की इच्छा नहीं होना और पूरा मतलब शरीर में से पूरी जान निकल गई ऐसा लगना। फिर जोड़ों में दर्द, स्नायु मसल्स जो है मांसपेशी इसमें दर्द, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है मतलब पेट साफ नहीं होता, या कभी डायरिया होता है पेट मतलब ज्यादा लैट्रिन लग जाती है, ब्लोटिंग होता है पेट में ऐसे बहुत सारा फुगारा आना ऐसा फूलना पेट। फिर नसों में दर्द, हाथ पैर में ऐसे लगता है कि चींटियां घूम रही है, चक्कर आते हैं और कभी अंधेरा सामने आता है, ऐसा लगता है कि अपन घूम रहे हैं कभी कभी या बाजू का जो परिसर है वो पूरा घूम रहा है, ख्याल नहीं रहना और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना। तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं और कभी कभी लगता है कि ख्याल नहीं है इनका बातों पर। फिर कभी पैनिक अटैक आते हैं, डर, बहुत डर सा महसूस होता है, आंखों में दर्द, आंखों में खुजली या ऐसा आंखों में ऐसी थकान सी लग जाती है, फिर चमड़ी के ऊपर ऐसी खुजली जैसी कभी कभी आ जाती है मतलब इचिंग पूरे बदन के ऊपर। कभी लोगों को हेयर लॉस होता है मतलब बाल निकल जाते हैं, ज़्यादा सीक आना या गले में खर्रासी और काफ़ी बार खांसी आना ऐसे या ऊपर से, या कभी कभी डकार आती है, नर्वसनेस और डिप्रेशन रहता है लोगों को, ऐसा उदासीनता आती है और उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी बीमारी है। और हम भी जब हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कुछ तो भी बीमारी है, इसको इतनी सारी कहानी बता रहा है, इतनी सारे मतलब सब टेस्ट किए हुए हैं और उसको काफ़ी सारे लक्षण हैं, वो सब पूरे बता रहा है कि इतने सारे मुझे लक्षण हैं, तो मगर उसको रहता है क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन से होता है, उसमें हम एंटी डिप्रेशन देते हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए फिर थोड़ा दर्दनाक जो है वो दवाई देते हैं, क्योंकि सब तरह के टेस्ट करने के बावजूद भी मिलता कुछ नहीं है, मगर इसको उदासीनता और नर्वसनेस रहता ही रहता है और पूरे बॉडी में दर्द, खाना नहीं जाना मतलब ये ऐसे दर्द चालू रहते हैं। तो उसको एक ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी हम करवाते हैं, स्वसम्मोहन सेल्फ हिप्नोसिस को सिखाते हैं और कुछ मेडिसिन की सहायता, कुछ कॉग्निटिव थेरेपी। यदि हम साइकोथेरेपी जब करते हैं मालूम पड़ता है कि इसके बचपन में कुछ तो भी ऐसा उसका उसके परवरिश में कुछ हुआ कि जिसके वजह से ये बीमारी हो गई। अब बचपन में परवरिश में क्या हुआ अभी ये तो हमको मालूम नहीं है, तो अलग अलग थेरीज है, साइकोलॉजिकल थेरीज है जिसमें ऐसा बताया गया है कि भाई गुस्सा बाहर निकाल नहीं सका, गुस्सा अपने आप के ऊपर निकाला हुआ है, या लोगों के साथ में अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करना चाहिए बातचीत मैंने किया नहीं, दबा के रखा, या मेरी सेल्फ इमेज जो है स्व प्रतिमा वो बहुत कमजोर है, या मैं खुद को बहुत कम समझता हूँ, मेरा एटीट्यूड जो है वो लोगों ने इतना मुझे ब्लेम दिया तो एक मेरा रिवेंजफुल एटीट्यूड हुआ, मैं बोल नहीं सका मगर मेरी बदले की भावना बहुत ज़्यादा हुई है, या मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है और मैं उसका सामना नहीं कर सका, उसका मुकाबला नहीं कर सका, मतलब इस तरह के अलग अलग साइकोडायनेमिक थियरीज है कि जिसके वजह से ये बीमारी हुई है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो बीमारी में जैसा मैंने बताया ट्रीटमेंट हम करते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं, तो बीमारी अच्छी हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।